सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है जल अपघटन, किसका पैर है इनका, तो CCl4 की वाष्प 500 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्प से क्रिया कराने पर कार्बोनिल क्लोराइड बनता है जो होता है CCl2 होता है। तो कैसे होगा CCl4+ H2O 500 डिग्री सेल्सियस तापमान तो बन जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, मीन्स वाइजनस गैस होता है फाजिन कहते हैं CO Cl2+2HCl। इसके यूज की बात करते हैं तो जो यूज होता है CCl4 की वाष्प अज्वलनशील गैस वायु में भारी होने के कारण इसका यूज अग्निशमक के रूप में किया जाता है। सेकंड पॉइंट इसका यूज हो जाएगा CCl4 का यूज तेल वसा रेजिन I2 Br2 आदि के विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अगला टॉपिक हो फ्रियान, इसका फार्मूला होता है CF2Cl2, ठीक है ना, CF2Cl डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन हो जाएगा। मीथेन और एथेन के क्लोरो फ्लोरो भी उत्पन्न फ्रियान कहलाते हैं। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन को फ्रियान 12 भी कहते हैं। यह एक मुख्य फ्रियान है। SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड्स उत्प्रेरक की उपस्थित में CCl4 पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया कराने पर यह क्रिया द्वारा यह बनाई जाती है। तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा कि CsCl3+ SbF3 एरो पे हो जाएगा SbF5 तो बनेगा 3CF2Cl2+2SbCl3 फ्रियान बन जाएगा। इसके बाद डाइफ्लोरोमेथेन एक गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -28.8 डिग्री सेल्सियस है। यह अविषैली एवं बहुत अस्थायी और ज्वलनशील गैस है। यह एक रासायनिक रूप में निष्क्रिय होती है। इसका यूज प्रतिशत एवं वातावरण में किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं टेफ्लान की, जो टेफ्लान होता है CF2 होता है, डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरो एथिलीन। टेफ्लान CsCl3 पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और HF की क्रिया द्वारा बनाई जाती है CsCl3 पर SbF3+HF जब रिफ्लेक्स किया जाएगा तो बनेगा CF2CHF2Cl। इसको 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर दीजिए तो बनाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो हो जाएगा ये टेफ्लान। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यह एक गैस है, यह एक क्या होता है, गैस होता है। इसका कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट -76 डिग्री सेल्सियस है। इसका बहुलीकरण करने पर पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन पॉलीमर बनता है जिसे PTFE कहते हैं। क्या कहते हैं, PTFE कहते हैं। इसके रिएक्शन देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 एन मोल्स मीन्स पॉली, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ब्रिगड में हो जाएगा CF2 ब्रांच CF2 का होल एन मीन्स एन होता पॉली पॉली टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी। इसके बाद बात करते हैं इसके यूज की, तो अम्ल व क्षार रोधी वस्तुएं बनाने में, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, टेफ्लॉन का, ठीक है ना। तो ये इसका रहे टेट्रार वाली हैलोजन व्युत्पन्न की कुछ एग्जांपल और उनका प्रिपरेशन रहा, उनकी प्रॉपर्टी रही, उसका यूज रहा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिंस। तो हेलो एरिंस कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे इसका स्टडी करेंगे। बस आज इतना ही, थैंक यू।